यादें नई पुरानी के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं देवेश वर्मा। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभ को जाऊंगा फान जाऊंगा मर जाऊंगा। यमला पगला दीवाना हो रब। हमारी फिल्मों में स्टार्स तो बहुत होते हैं, पर सुपरस्टार्स हर दौर में दो या तीन होते हैं। जैसे अपने जमाने में अशोक कुमार एक सुपरस्टार थे, फिर दिलीप कुमार। मगर बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं राजेश खन्ना। उनके बाद अमिताभ बच्चन भी आए गजब के सुपरस्टार, पर वो भी राजेश खन्ना वाली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सके। इन तमाम अभिनेताओं में एक नाम धर्मेंद्र का है जो किसी सुपरस्टार से कम नहीं। हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती। अपने संघर्ष के दिनों में एक दिन धर्मेंद्र ऑडिशन के लिए किसी स्टूडियो के बाहर लाइन में खड़े थे, तभी देवानंद वहां से गुजरे। उनकी नजर इस गजब के आकर्षक युवक पर पड़ी तो वो उसके पास आए और कहा, तुम जरूर कामयाब होगे, बस हिम्मत न हारना। देवानंद के इन शब्दों ने धर्मेंद्र के कानों में जैसे अमृत घोल दिया। धर्मेंद्र की लोकप्रियता का अपना ही ठाट है, और जितने लंबे अरसे तक सिनेमा के पर्दे पर धर्मेंद्र ने धमाल मचाया वो कम को नसीब होता है। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है। इतनी भी तमीज नहीं कि मेहमानों के सामने कैसे आया जाता है? ये बात नहीं थी। तो और क्या बात थी? भगवान ने पहले ही बहुत खूबसूरत शक्ल दी है, उस पर चेहरे पे राख मली, नौकरानी की तरह मेहमानों में आते हो तो मैं शर्म नहीं है। धर्मेंद्र कभी किसी तरह की बाजी मार ले जाने की दौड़ में शामिल नहीं थे, मगर उनका नाम बड़े से बड़े फिल्मी सितारों की पहली पंक्ति में हमेशा रहेगा। पल पल दिल के पास। धर्मेंद्र पैसे कमाने की मारामारी में कभी नहीं रहे। जब मैं बंबई आया था तो मेरे अपने सपने थे और एक मामूली सा लक्ष्य, एक फ्लैट एक फिएट। दोस्त, कैसा दोस्त जो अपने आप को मेरा सबसे बड़ा दोस्त कहता है, मेरे बाबा के खून बहने का तमाशा देखता रहा। मैं और कर भी क्या सकता था धर्म, तुम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं दिल का जला हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। चले जाओ राजकुमार। अपने शुरुआती दौर में धर्मेंद्र के सबसे पसंदीदा सितारे थे राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद, और तीनों ही से उन्हें बड़ा स्नेह मिला। दिलीप कुमार के तो धर्मेंद्र भक्त ही थे, जिन्हें वो अभिनय का खुदा मानते थे। बंबई में संघर्ष की अपनी पहली पारी के दौरान उन्होंने एक बार अपने आइडल से सीधे मिलने का फैसला किया और जा पहुंचे पाली हिल बांद्रा में उनके घर। सुबह का वक्त, दिलीप कुमार के बंगले का गेट खोलकर धर्मेंद्र अंदर आ गए। किसी ने उन्हें रोका नहीं तो फिर घर के मुख्य दरवाजे से सीधे घर में दाखिल हो गए। तब भी किसी ने नहीं पूछा कि वो कौन है और किससे मिलना है। धर्मेंद्र की हिम्मत बढ़ी तो थोड़ा और अंदर जाकर उन्होंने इत्तेफाकन एक कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि उनका सबसे चहेता फिल्मी सितारा वहां सो रहा है। जाहिर है ये दिलीप कुमार का बेडरूम था। धर्मेंद्र को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, उनके पैर जैसे वहीं जम गए। वो मंत्रमुग्ध होकर छरहरी कदकाठी और दिलकश व्यक्तित्व के मालिक दिलीप कुमार को बस घूरे जा रहे थे।
दिलीप कुमार की आंख खुली तो एक बिल्कुल अनजान आदमी को अपने कमरे में देख घबरा गए। उन्होंने नौकर को आवाज दी तो धर्मेंद्र की भी आंख खुल गई। वो फौरन वहां से भाग लिए। मेरे लिए अनुपमा के माने हैं आप। आज तक जो कुछ मैंने आप पर बीतते देखा उसे अपनी कल्पना के रंग में लिख दिया। अगर मेरी कल्पना और आपका जीवन एक हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो। बंबई की अपनी शुरुआती जिद्दोजहद से थक हार कर धर्मेंद्र एक बार अपने गांव लौट गए थे और फिर 5 बरस बाद दोबारा सपनों की इस नगरी का रुख किया। इस बार उन्हें फिल्म फेयर टैलेंट हंट की एक प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिला था और प्रतियोगियों के मेकअप वगैरह की जिम्मेदारी और किसी की नहीं, दिलीप कुमार की बहन फरीदा की थी। धर्मेंद्र ने जब उन्हें उनके भाई से अपनी भक्ति के बारे में बताया तो फरीदा ने अगले ही दिन धर्मेंद्र और उनके आइडल की मुलाकात का इंतजाम कर दिया और इसके बाद इन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई और दिलीप कुमार के आखिरी दिनों तक धर्मेंद्र उनसे मिलने जाते रहे। धर्मेंद्र की आरंभिक सफल फिल्मों में अनपढ़ और बंदिनी अहम है, मगर उनको एक स्टार की हैसियत देने वाली फिल्म थी फूल और पत्थर मीना कुमारी के साथ, जो उस जमाने की बहुत बड़ी स्टार थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने शाका नाम के एक गुंडे का किरदार निभाया है। शाका जिस्मानी तौर पर यानी बाहर से जितना ताकतवर है, अंदर से उतना ही संवेदनशील और नर्म, और असली जीवन में भी धर्मेंद्र की शख्सियत कुछ ऐसी ही थी। इस फिल्म में शाका के किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया और फिल्म के बाहर धर्मेंद्र ने मीना कुमारी का, उनकी और मीना कुमारी की मोहब्बत के बारे में सब जानते हैं। हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज। फूल और पत्थर के बाद धर्मेंद्र फिल्मों की कहकशां या आकाश गंगा का एक चमकदार सितारा बनकर उभरे। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी कुछ बड़ी कामयाब फिल्मों में धर्मेंद्र को उनकी ही मैन की छवि से अलग एक नए अंदाज में पेश किया। अनुपमा में धर्मेंद्र ने जहां एक संवेदनशील उपन्यासकार की भूमिका निभाई, तो सत्यकाम में एक ऐसे आदर्शवादी की जो ईमानदारी और सच्चाई के बारे में एक गैर लचकदार और हठीली धारणा रखता है। अगर दुख सहने की हिम्मत है तो दुख देने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तब जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीजों के साथ सुलह तो करनी पड़ती है। नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, मगर सत्यप्रिय सत्यकाम को ईमानदारी की अपनी इस कठोर धारणा से डिगना मंजूर नहीं। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने अभिनय की किसी शानदार तकनीक का मुजाहरा नहीं किया, मगर सत्यकाम के किरदार को भावनात्मक रूप से जीवंत करने में वो भरपूर सफल रहे। फिल्म के मशहूर सीन जिसमें सत्यकाम जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और उसके पिता जो अशोक कुमार हैं वो उसकी नासमझी और भोलेपन पर उसे फटकार रहे हैं, पर सत्यकाम जो कुछ बोलने की हालत में नहीं उसे आंखों के जरिए मुस्कुराना भर है। इस सीन के बाद धर्मेंद्र की अभिनय क्षमता पर संदेह करने वालों के मुंह बंद हो गए। धर्मेंद्र ने बाद में अपनी अदाकारी से दर्शकों को हंसाया भी खूब। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। अंग्रेजी जानते हो? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। डीओ टू डीओ डू तो जी ओ गु क्यों नहीं होता? शोले में वीरू के किरदार में उनकी ही मैन वाली छवि और कॉमेडी की क्षमता दोनों का
लाजवाब संगम देखने में आया। वर ढूंढ लिया है। अच्छा, इसलिए जा सांभा। हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती। इसमें हेमा मालिनी के साथ उनकी हंसी दिल्लगी ने लोगों को हंसा हंसा कर बेहाल कर दिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी का मुकाबला कोई और जोड़ी नहीं कर सकती। इन दोनों ने 28 फिल्में साथ की, जिनमें से अधिकतर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब रहीं। यादें नई पुरानी के अगले एपिसोड तक इजाजत, नमस्कार। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको कैसा लगा या आपके जहन में कुछ और हो तो कमेंट्स में लिखें। हाँ, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब जरूर करें, मेहरबानी होगी।